देन नेक्स्ट, अच्छा कई सारे लोग आपको मिलते होंगे ऐसे भाई लोग, बहुत महान लोग हैं आजकल हिंदुस्तान में, जो बोलते होंगे अच्छा देखो पैसे मेरे पास है मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम मेरे पास है ठीक है मैं कर लूंगा, बट इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए, इंटरेस्ट भी तो कोई चीज होती है, बिना इंटरेस्ट के थोड़ी कोई काम करा जाता है, अरे इंटरेस्ट भी तो कोई मुद्दा है यार, मतलब इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए। कई सारे लोग मेरे को मिलते जो अंदर से आवाज नहीं आ रही, अब मेरे को आज तक समझ में नहीं आया अंदर से बोलता कौन है, अंदर से आज तक बोलते हो सुना किसी को आपने? मैंने तो कभी नहीं सुना किसी को, भाई मैं ही बोलता हूँ, मेरे मुंह से अंदर कौन बैठा है जो बोलता है? आप सोचो ना, मैं ही तो अपने मुंह से बोलूंगा, अंदर कौन बैठा है जो बोल रहा है? अंदर से आवाज नहीं आ रही, कई सारे लोग अंदर से आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलो ठीक है, ये अंदर से आवाज जिनकी नहीं आती ना, उनकी आवाज निकालने के लिए आज के बाद पता है आपको क्या करना है? सिंपल सी बात, उनको पूछो चलो ठीक है भाई इंटरेस्ट नहीं है, समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, जो अभी काम कर रहे हो ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना, जो अभी काम कर रहे हो पक्का इंटरेस्ट से कर रहे हो? सोच लेना, जो अभी काम कर रहे हो पक्का इंटरेस्ट से कर रहे हो? इंटरेस्ट इसलिए कर रहे हो पढ़ाई, इंटरेस्ट इसलिए कर रहे हो जॉब, इंटरेस्ट इसलिए कर रहे हो? जो भी काम कर रहे हो इंटरेस्ट से कर रहे हो? जो भी काम आज आप कर रहे हो क्या इंटरेस्ट लेके कर रहे हो? क्या मम्मी घर में खाना बनाती है, क्या लगता है इंटरेस्ट इसलिए बनाती है? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आपने 12 साल तक स्टडी की, 12 साल तक पढ़ाई की, और 12 साल तक आप डेली 7 से 8 घंटे पढ़ने के लिए गए, और अगर कोचिंग और ट्यूशन किए होंगे तो और ज्यादा, और उसके बाद आप कॉलेज आए, आपने कॉलेज किया, कॉलेज में हो तो कॉलेज कर रहे हो, और उसके बाद आपने 1.5-2 साल और प्रिपरेशन की, उसके बाद आपकी 50,000 रुपए की नौकरी लगी, तो इंटरेस्ट किसमें था इस पूरे प्रोसेस में, ज्ञानी बनने में 50,000 में? इस पूरे प्रोसेस में जो 14-15 साल पढ़ाई की, इंटरेस्ट इसमें था या पैसा कमाने में? तो मैं तो सीधा तरीका बता रहा हूं कमाने का, नेटवर्क बनाओ और जिंदगी भर कमाओ, और मरने के बाद आपकी जनरेशन कमाएगी, आपके नहीं रहने के बाद आपकी जनरेशन को बेनिफिट मिलेगा। बात इंटरेस्ट की नहीं है, बात है अपने सपनों के लिए कुछ करने की। ये जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे, मैं क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं फिर लास्ट में पूछना, ओके? लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगा, आराम से चैट बॉक्स में पूछना। तो बात है अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए कुछ करने की। आज तक आपने जितनी भी मेहनत, जितनी भी पढ़ाई, जितना भी टाइम दिया वो इसलिए दिया ताकि 50,000 रुपए की नौकरी लग सके। इट मीन्स आप ये कह रहे हो कि आपको 1,00,000 रुपए महीना कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, आप ये कह रहे हो कि आपको 2-3-4-5 लाख रुपए महीना कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, आप 50,000 रुपए की नौकरी के लिए, कम ऑन यार, आप 50,000 रुपए की नौकरी के लिए लास्ट 15 ईयर से मेहनत कर रहे हो, लास्ट 15 ईयर से काम कर रहे हो, और आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको 1,00,000 रुपए महीना कमाने के लिए 3 साल काम करने में इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट की बात वो लोग करते हैं जिनके पास ऑप्शंस होते हैं। बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास जिंदगी में ऑप्शंस नहीं है, हमारे पास कोई 10 ऑप्शन नहीं है कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं पापा का बिजनेस कर लूंगा, ये नहीं हुआ तो जाके मैं सिंगर बन जाऊंगा, ये नहीं हुआ तो मैं जाके डांसर बन जाऊंगा। प्रभु देवा हमारे पापा नहीं है, मुकेश अंबानी जी हमारे पड़ोसी नहीं है, हमारे अंकल नहीं है, समझ रहे? तो बात हम इंटरेस्ट की नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो पढ़ाई या फिर कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे हम अपने पार्ट टाइम बेसिस पे अपने टाइम को यूज करके एक बिजनेस डेवलप कर सके। तो बात इंटरेस्ट की नहीं, बात है सपनों को, ड्रीम्स को पूरा करने की। अच्छा आपको क्या लगता है अंकुश सर को बड़ा मजा आता होगा, देखो हमारा नौनी ये काम आता है, देखो हमारा स्पैंडर ये काम आता है, अरे हमारा आंवला नहीं देखा आपने? सर बात इंटरेस्ट की नहीं है, बात है ड्रीम्स को, सपनों को पूरा करने की। एंड उसके साथ साथ इतने सारे लोगों को आप हेल्प कर पा रहे हैं, इतने सारे लोगों को ग्रो करने में आप मदद कर पा रहे हैं, उसकी बात इंटरेस्ट की नहीं है। आप मेरे से पूछो मेरा क्या इंटरेस्ट है, यकीन मानिए मेरा सपना है कुछ ऐसा हो जाए जिंदगी में सारा दिन सोते रहो कोई काम नहीं है बिल्कुल, उसके बाद में जब मन किया उठ के क्रिकेट खेलने चले जाओ, मेरे को क्रिकेट खेलना बड़ा पसंद है, मन किया बैडमिंटन खेलने चले जाओ, अच्छा मन किया अरे यार आज तो बड़ा मन कर रहा है घूमने का, फ्लाइट की टिकट की दुबई चले गए, मन किया दुबई घूम के आए, मन किया अरे यार ऑस्ट्रेलिया जाने का बड़ा मन था ऑस्ट्रेलिया चले गए, मन किया चलो वैष्णो देवी घूम के आते हैं वैष्णो देवी गाड़ी लेके निकल गए, ड्राइवर होना चाहिए साथ में, खुद नहीं चलानी गाड़ी, इंटरेस्ट तो इसमें है। पर ये कब कर पाएंगे? ये तब कर पाएंगे जब पहले जिंदगी में एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाए तब, और उस पे पहुंचने के लिए यकीन मानिए उसी लेवल पे पहुंचने के लिए आज हम काम कर रहे हैं, तो बात इंटरेस्ट की नहीं है, बात है सपने पूरे करने की, बात है ड्रीम्स कंप्लीट करने की। हमारे पापा, हम, हमारी फैमिली ऑलरेडी सब बिना इंटरेस्ट के ही काम कर रहे हैं। और रही बात अगर आप फिर भी कह रहे हो कि अंदर से आवाज नहीं आ रही, बाहर से आवाज नहीं आ रही, तो मेरे भाई अंदर और बाहर की आवाज में क्यों पड़ा है?
बादाम के तेल की जगह अशोर का तेल लगाने में कोई बुराई है क्या? सिंथॉल की जगह अशोर का सॉप लगाने में कोई बुराई है क्या? गार्नियर के फेस वॉश की जगह अशोर का फेस वॉश यूज करने में कोई प्रॉब्लम है? अंदर और बाहर की आवाज नहीं आ रही, बंद कर दे। अब ये मत कहना कि नहीं मेरे अंदर से आवाज नहीं आ रही कि मैं अशोर का फेस वॉश यूज करूं गार्नियर की जगह, नहीं मेरे अंदर से आवाज नहीं आ रही मैं फेयर एंड लवली की जगह एसपीएफ 15 यूज करूं नेचुरल वाली अशोर की, नहीं मेरे अंदर से आवाज नहीं आ रही भाई मैं क्लिनिक प्लस की जगह अशोर का शैंपू यूज करूं। देख नहीं करना, सीधा सीधा बता, फिर वो अपना कोई और क्वेश्चन निकालेगा आपके सामने, फिर वो कोई और डाउट लेके आएगा, फिर उस डाउट को क्लियर करो आप। लेकिन किसी भी डाउट पे कम से कम 5 मिनट बोलना है नॉन स्टॉप, कम से कम 5 मिनट नॉन स्टॉप, क्योंकि ज्यादातर लोग जिंदगी में झूठ बोलते हैं, उनके कोई डाउट वाउट नहीं होते, झूठ बोलते हैं। वो क्या सोचते हैं, अगर सामने वाला एक झूठ से हट जाएगा तो ठीक है बात खत्म। सर आज के बाद ना अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है, एक बात दिमाग में बिठा लो, सामने वाला सवाल बोलेगा जवाब हमारे पास होगा। ज्वाइन करना है नहीं करना, ज्वाइन करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात कंफर्म है, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बुराई नहीं है, और तुम हमारी टीम, तुम आज टकराए हो किसी सही इंसान से तो दिमाग तो तुम्हारा क्लियर करके भेजूंगा। ज्वाइन करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी, वो तुम देख लेना, दिमाग में सोच के बैठा करो। जब मैं किसी का फॉलोअप करता था मेरे दिमाग में हमेशा क्लियर रहता था, आज ये बंदा ज्वाइन करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, अंकुश कुमार मीणा का नाम जिंदगी भर नहीं भूलेगा ये गारंटी।